है गाइस, वेलकम टू माय चैनल केडी दावत ब्लॉग। सो आज 29 अप्रैल है। आज हम लोग मतलब आज मेरा मैरिज एनिवर्सरी है। सोचे थे कुछ मतलब पता नहीं, मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ देने के लिए बोले, पता नहीं अब क्या सरप्राइज़ है। तो अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, देखिए। और मैंने थोड़ा सा पूजा वूजा वगैरह कर लिया है। अभी ये दिव्यांश को नाश्ता खिलाने का टाइम हो गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा फीडिंग करा दूँगी। और फीडिंग में मैं क्या क्या खिलाती हूँ मैं एक दिन वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये सिक्स मंथ्स का है। तो मैं उसको प्यूरी टाइप में बना के दिन में 3-4 टाइम्स उसको फीड कराती हूँ। सो मैं दिखाऊंगी एक दिन कि मैं क्या क्या मतलब क्या क्या खिलाती हूँ उसको। तो अभी देखो क्या कर रहा है दिव्यांश, मेरे को देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ। ये देखो दिव्यांश, एक्चुअली उसने ना मतलब रात को थोड़ा ऐसे ख़राब हो गया था, तो बहुत गर्मी लग रहे थे, तो दोनों सो ही नहीं, किया अंश और दिव्यांश तो सो ही नहीं पा रहे थे। तो मैं उन लोगों को मतलब ऐसे सुला दी, टी शर्ट वगैरह निकाल के सुला दी, फिर भी सो नहीं रहे थे। थोड़ा मैं उन लोगों को हॉल में लेके गई थी। हॉल में थोड़ा ठंडा लग रहा था, पता नहीं बेडरूम में थोड़ा गर्म गर्म लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर मतलब विंडो थी लेकिन हम लोगों ने ओपन नहीं किया था, मच्छर वगैरह आएंगे फिर और ज़्यादा परेशानी होगी, इसलिए मैंने विंडो वगैरह कुछ ओपन नहीं किया। बाहर थोड़ी देर लेके गई थी, फिर सुला के फिर लेके आई हूँ उनको। आज ऐसे रिपेयर करवाना है, बहुत ही गर्मी है यार, मुंबई में तो इतना गर्मी पड़ गया, क्या बोले। तो देखते हैं क्या होगा आज, जैसे जैसे कुछ भी होगा अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग विश करना, हम लोगों का मैरिज एनिवर्सरी है, कमेंट करके ज़रूर विश करिए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जो भी नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर हिट कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आए। तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट ऐसे बनाए रखें। आज मतलब एक गिफ्ट समझो, आप सब्सक्राइब कर दीजिए बस, नेक्स्ट ईयर तक मेरे जो भी टारगेट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए। क्योंकि अभी ऑलमोस्ट मैं यूट्यूब पे आके 1.5 ईयर हो रहा है, ऑलमोस्ट मैं वो यूट्यूब पे आके 1.5 ईयर हो रहा है। तो अभी तक मैंने उतना कुछ अचीव नहीं किया है, क्योंकि कंपटीशन इतना है और पब्लिक तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है, हार्डवर्क लगता है। हार्डवर्क तो कर रहे हैं, सपोर्ट भी आप लोग उतना ही दीजिए, देखते हैं क्या होगा नेक्स्ट ईयर तक। तो चलिए बाद में मिलते हैं। दिव्यांश को मैंने नहला लिया है, सो उनके पापा उसके साथ खेल रहे हैं। सो यहाँ पे कियांश है ना, उसको हमेशा जीन्स चाहिए और नए टी शर्ट चाहिए, हमेशा वही पहनने के लिए मतलब बोलता रहता है। तो मैं बोलती हूँ कि कहीं जाना हो तो अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहना जाता है, घर पे पहनेंगे तो फिर वो पुराने हो जाते हैं, बट उसको हमेशा नए कपड़े पहनना होता है, वॉच लगाना होता है, गॉगल चाहिए उसको, उसके डिमांड से अलग है, सुनता ही नहीं है वो। सो यहाँ पर दिव्यांश को फीडिंग कराने का टाइम हो गया है, तो यहाँ पे मैं इसको सेरेलैक्स खिला रही हूँ। अभी मॉर्निंग के 10 हो गए, तो मैं उसको सेरेलैक्स खिला रही हूँ। मैं उसको मतलब पालक की प्यूरी वगैरह या फिर ओट्स की पोरेज ऐसे मैं खिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको सेरेलैक्स, होममेड सेरेलैक्स खिला रही हूँ। इसको थोड़ा सा है ना मीठा ही हमेशा ज़्यादा पसंद रहता है, मीठा यानी कि शक्कर मैं डालती नहीं हूँ। और उसको डेट्स खिला मतलब डाल के फिर प्यूरी बनाती हूँ, या फिर चीकू, एप्पल, बनाना, इसको ऐसे पसंद है। इसको पालक की प्यूरी, मटर की प्यूरी ये सब पसंद नहीं है, पता नहीं खाता ही नहीं है। तो देखिए इसका मूड नहीं है खाने का, फिर भी इसका टाइम हो गया तो मुझे खिलाना पड़ेगा, वरना ये मुझे फिर काम करने नहीं देगा, रोता रहेगा। तो अभी भी दिव्यांश है ना मतलब पलट रहा है, मतलब पेट के बल सोने का ट्राई कर रहा है। ये डायरेक्ट मतलब
पेट के बल अभी तक गिरा नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया है। एक्चुअली कियांश ने भी कभी मतलब क्या बोलते हैं ना, नीर से चला नहीं, वो डायरेक्ट बैठा था फिर डायरेक्ट उठ के चलने लगा था, तो शायद मुझे लगता है दिव्यांश भी ऐसे ही डायरेक्ट चलने लगेगा। तो देखिए ना ये कितना ट्राई कर रहा है पेट के बल सोने का, बट इसको हो ही नहीं रहा है। सो फाइनली इसने ना वार्डरोब में से अपने लिए एक शर्ट निकाल लिया है, इसको मैं कितना भी बोलूँ सुनता ही नहीं है। तो देखिए ये रेडी होने के लिए बोल रहा है, और वैसे इनके पापा भी बोले थे कि सरप्राइज़ देंगे, इसलिए वो उसके लिए भी रेडी होना चाहता है। तो देखते हैं क्या, ये देखिए दिव्यांश कैसे चिल्ला रहा है। तो देखते हैं उनके पापा क्या सरप्राइज़ देंगे हम लोग को, क्योंकि अभी मैरिज के 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और 7th ईयर है ये, तो अभी ये 6th एनिवर्सरी है। लास्ट टाइम 5th एनिवर्सरी हुआ था तब उन्होंने मुझे गोल्ड का रिंग गिफ्ट किया था, बट हम लोग सोचे थे तो फैमिली के साथ सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन मेरे जो ससुर जी है उनके बड़े भाई का डेथ हो चुका था, इसलिए हम लोग ने सेलिब्रेशन नहीं किया है। तो इस बार हम उनके पापा बोले थे कि सरप्राइज़ देंगे, तो देखते हैं क्या होगा। और यहाँ पे हम लोग का एसी ख़राब हो गया था, तो हम लोग को फिर उसे मतलब सर्विस कराना पड़ा। यार इतनी गर्मी है ना कि गर्मी में नींद ही नहीं आ रहा है, बच्चे तो सो ही नहीं रहे 2 दिन से, और जिसको भी बुला रहे हैं रिपेयर करवाने के लिए तो सबका ईद था, इस रमज़ान चल रहा है तो कोई मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पर कियांश मतलब लंच कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने बनाया था दाल और भिंडी की सब्ज़ी, पर वो सब्ज़ी खाता ही नहीं है, सिर्फ दाल के साथ ही खाता है। ये दिव्यांश है ना, हमारे बेडरूम में एक फ़ोटो है, फैमिली फ़ोटो वगैरह, और उनके पापा को देख के हमेशा हंसता रहता है, खेलता रहता है, पता नहीं उसको वो फ़ोटो बहुत पसंद आ गया है। और यो जनरल उनके पापा को देख के ना वो हमेशा हंसता ही रहता है। तो यहाँ पे मैं रेडी हो रही हूँ, इनके पापा मुझे बाहर लेके जाने के लिए बोल रहे थे। सो ये ब्लैक ड्रेस मैंने वेयर किया है, और मैं सिंपल ही मेकअप करना चाहती हूँ, थोड़ा सा लाइटली आई शेडोज यूज़ करना चाहती थी, तो मैंने सिंपल मेकअप ही किया है, और आईलाइनर लगा रही हूँ, और फाइनल मैं रेडी हो रही हूँ। उनके पापा देखिए आराम से लेटे हुए, उनको रेडी होने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगता है, 5-10 मिनट में वो रेडी हो जाते हैं। पता नहीं लेडीज़ को इतना टाइम क्यों लग जाता है, जेंट्स सिर्फ मतलब नॉर्मली शर्ट वगैरह पहन लेंगे और कंघी वगैरह पाउडर लगा लेंगे, हो जाएगा उनका, उनका ही अच्छा है। हम लोग को इतना टाइम लगता है 1 आवर, कभी कभी शादियों में तो 1-2 आवर्स लग जाते हैं, और कहीं जाना हो तो ऑब्वियसली 1/2 आवर तो लग ही जाता है मुझे। और यहाँ पे मैं कियांश को रेडी कर रही हूँ, देखो वो कितना नाटक कर रहा है ना कियांश, ये कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन जब ऑफ कैमरे में ज़्यादा बोलने लगता है। देखो कितना मस्ती करता है, दिव्यांश से ज़्यादा मस्ती तो कियांश करता है, दिव्यांश मुझे उतना सताता नहीं है, वो अपने आप खेलने लगता है, पर ये कियांश तो मुझे बचपन से सता रहा है। तो गाइस अगर मुझे आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस पसंद आए ना, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को हिट कीजिए, तो मैं इसी तरह आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, आप लोगों के ब्लेसिंग बनाए रखिए। अभी मैं यहाँ पे पूरी रेडी हो चुकी हूँ, मैं बच्चों को भी रेडी कर रही हूँ, बस ये जब जाएंगे तभी 5 मिनट पहले रेडी हो जाते हैं, इनका बहुत ही मतलब जल्दी हो जाता है। तो अभी मैं दिव्यांश को रेडी कर रही हूँ, बॉयज़ हो ना तो उनको मतलब कम ही टाइम लगता है, मुझे कियांश और दिव्यांश को भी रेडी करने के लिए बहुत कम लगता है टाइम, अगर गर्ल्स हो तो फिर उनको हेयर बैंड हेयर स्टाइल करो, फिर थोड़ा सा मेकअप करो, वो सब रहता है, तो उसमें टाइम सेविंग हो गया मेरा तो। सो इनके पापा मुझे कहाँ लेके जाएंगे, क्या सरप्राइज़ देंगे, मैं ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, तो ये पार्ट 2 भी देख लीजिएगा आप, क्योंकि मैं इसी वीडियो में सब डालूंगी तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगी, फिर इसके बाद तुरंत ही मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूँगी। सो गाइज़ अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, until then bye bye।